तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली में इसे नैप किया गया, लेकिन सरहद पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वहां जो साजिश चल रही है वो अलग है, लेकिन पाकिस्तान दरअसल हिंदुस्तान से डरा हुआ है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान अक्सर भारत पर परमाणु हमले की धमकी भी देता है। उस धमकी की असल वजह पाकिस्तान का डर है, कैसे ये इस रिपोर्ट में देखिए। भले ही पाकिस्तान हिंदुस्तान को लगातार गीदड़ भभकी देता रहा हो, भले ही वो लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा हो, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से खौफ ज़दा है, और पाकिस्तान के डर की पोल खोली है खुद पाकिस्तान के थिंक टैंक ने। भारत से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, उस डर के सबूत तब मिले जब पाकिस्तान के थिंक टैंक ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 359 से लेकर 492 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री और तकनीक क्षमता मौजूद है। जिस थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है ISSI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। ISSI का दावा है कि उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसे 4 वैज्ञानिकों की टीम ने बाकायदा पूरे रिसर्च के बाद जारी किया है। पाकिस्तान का ये शोध संस्थान दावा करता है कि पहले के सारे रिसर्च और रिपोर्ट में भारत की क्षमता को कम करके आंका गया है। तमाम दावों के साथ इस्लामाबाद का ये शोध संस्थान ये भी दावा करता है कि भारत ने परमाणु बम बनाने की अपनी क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से छिपा कर रखा है। मतलब ये कि पाकिस्तान सीधा सीधा ये कह रहा है कि भारत ने अपनी एटमी ताकत दुनिया की नजरों से छिपा कर रखी है। अब आप इसे पाकिस्तान का डर नहीं तो और क्या कहेंगे? ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान का दुष्प्रचार नहीं तो और क्या है? आज तक ब्यूरो। अपनी एटमी शक्ति में चोरी छिपे इजाफा कर रहा पाकिस्तान। दरअसल भारत पर अब नए तरह से आरोप मढ़ रहा है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत गलत तरीके से अपनी एटमी शक्ति बढ़ा रहा है और साथ ही हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों इस झूठ का सहारा पाकिस्तान ले रहा है, देखिए। अगर उन्होंने इस किस्म की कोई इंकर्जन करने की कोशिश की तो हम विद फुल फोर्स जो है हम रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आपने सुना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, वो भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। आप फिर से सुनिए। डिवाइसेस जो हैं या टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, जो हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, तो ये जो है ये हमने डिवाइसेस जो हैं जस्ट एज शो पीसेस तो नहीं रखे हुए। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी बका को खतरा हुआ, और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है अगर उसमें इन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो हमने इसको नाबूद कर देंगे। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की ओर से ये धमकी आई थी उरी में आतंकी हमले के बाद, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऐसे बयान पाकिस्तान की ओर से अक्सर दिए जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक और दिलचस्प खेल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भारत की परमाणु ताकत और परमाणु हथियारों को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान के ISSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद ने भारतीय असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम नाम की एक रिपोर्ट जारी की है जो पाकिस्तान के दोमुहेपन का सबसे ताजा सबूत है। जरा नजर डालिए। ISSI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 356 से 492 परमाणु बम बनाने के सामान और तकनीकी ताकत है, जबकि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने मार्च 2015 की रिपोर्ट में बताया था कि भारत के पास 100 से लेकर 110 एटमी हथियार हैं और पाकिस्तान के पास भारत के एटमी हथियारों से 10 से ज्यादा। वहीं इस्लामाबाद का शोध संस्थान कहता है कि भारत की एटमी ताकत का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की नजरों से छिपा है। वहीं हाल में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सहायक निदेशक टॉबी डाल्टन ने दावा किया कि भारत के डर से पाकिस्तान हर साल 20 नए परमाणु बम बना रहा है। ये पूर्ण रूप से पाकिस्तान का मिथ्या प्रचार है, जिससे कि दुनिया की नजरों के सामने ये दिखा सकें कि भारत जो है
परमाणु हथियारों का प्रचार कर रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में अपने आप को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है, और जिससे अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखाया जाए कि पाकिस्तान का जो परमाणु प्रोग्राम है जिसके कि खिलाफ दुनिया भर में आज आवाज़ें उठ रही हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान परमाणु हथियारों का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको जस्टिफाई करने की एक कोशिश है कि भारत की तरफ उंगली उठाई जाए और कहा जाए कि भारत के पास इतना बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है और पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसके रिस्पॉन्स में। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा एटमी हथियार है। दुनिया ये भी जानती है कि हर साल पाकिस्तान धड़ाधड़ अपनी एटमी ताकत में इजाफा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दो मुहापन देखिए, अब उल्टा भारत पर उंगली उठा रहा है, अपने रिसर्चरों और विद्वानों से दावे करवा रहा है कि भारत की एटमी ताकत पाकिस्तान से ज्यादा है। चलिए मान भी लिया जाए कि भारत की एटमी ताकत ज्यादा है, अगर ऐसा है भी तो क्या भारत ने कभी भी किसी पड़ोसी मुल्क को परमाणु हमले की धमकी तो नहीं दी? भारत को 356 से 492 न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए। जितने भारत के बॉम्ब हैं वो बहुत काफी हैं भारत को अपने आप को पाकिस्तान और चाइना दोनों से बचाने के लिए। दुनिया जानती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर हथियार वाला देश है इस समय पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए अगर हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से ख़त्म करना है तो 10 बॉम्ब बहुत काफ़ी हैं, और इसलिए उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हिंदुस्तान के अभी हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके मुताबिक हिंदुस्तान के अभी 90 से लेके 110 तक हैं, वो ही बहुत काफ़ी हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वेपन ऑफ वॉर नहीं है, वो केवल वेपन ऑफ डिटरेंस है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एटमी प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? दरअसल बार बार भारत को धमकी देने के बाद पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई। रूस और अमेरिका ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को जमकर लताड़ लगाई, साथ ही एटमी हमले की धमकी से दुनिया को ये संदेश भी गया कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कर सकता है जो दुनिया के लिए खतरा साबित होगी। इसके अलावा दुनिया ने पाकिस्तान के एटमी कार्यक्रमों पर नजरें भी टिका रखी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अब डैमेज कंट्रोल में लगा है। पाकिस्तान अब दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत की एटमी ताकत ज्यादा है, और वो जो भी कर रहा है वो भारत से बचाव के लिए कर रहा है। ये पाकिस्तान का पैरानोया है, डर है, हिंदुस्तान की बनाता जा रहा है अपने इंक्रीजिंग न्यूक्लियर हथियारों की नफरी को जायज़ ठहराने के लिए। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के पास इस माफी की काबिलियत है, काबिलियत ज़रूर होगी, उनकी असेसमेंट सही है या गलत है मैं नहीं जानता, बिकॉज दिस इज़ समथिंग ऑफ अ टॉप सीक्रेट, आम तौर पे लोगों को नहीं मालूम। अगर काबिलियत है भी तो हिंदुस्तान उसके बावजूद भी उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर इट। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि पूरी दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं कि इस्लामाबाद के शोध संस्थान की हालिया रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में किए दावे पर भरोसा करे। दुनिया को पता है कि एटमी हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों में से ज्यादा जिम्मेदार कौन है, साथ ही दुनिया ये भी जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।